बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने लगे हैं ये है ब्लैक बीन और चिकन के सैलड की। ब्लैक बीन बहुत ज़्यादा हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। ब्लैक बीन हमने ये वाले इस तरह के ओवरनाइट इसको हमने भिगो दिया था और अब हमने इसका पानी निकाल दिया। ये आपकी बोन्स के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, आपके ब्लड प्रेशर के लिए, या आपके ब्लड प्रेशर को भी लो करते हैं, आपकी बोन्स को हेल्दी करते हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं जो डाइट करते हैं या जो अपने आप को स्लिम करना चाहते हैं, ये उसके लिए भी बहुत अच्छी है। आपको डायबिटीज़ आपकी मेंटेन करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है और साथ में आपका डाइजेशन सिस्टम भी बहुत अच्छा रखती है। इसके लिए हमने चिकन का पीस हमने लिया है, तकरीबन आप देख लें, ये आपने बहुत ज़्यादा नहीं लेना। जो वेजिटेरियन लोग हैं वो चिकन ना डालें, वो उसको स्किप करके इस तरीके से ही सारे सैलड बना सकते हैं। ये हमने जो ब्लैक बीन्स लिए थे ये हमने तकरीबन आधा कप ले लिए थे और हमने ओवरनाइट इसको भिगो दिया था, और साथ हमने चार पांच डेट्स ले ली हैं। और ब्लैक फंगस मशरूम है, आप देख सकते हैं, ब्लैक फंगस मशरूम है, ड्राइड ब्लैक फंगस, वो हमने 15 या 20 मिनट उसको पानी में भिगो लिया था, वो भी हमने इसमें शामिल करने हैं साथ। ये ब्लैक फंगस मशरूम है, ये मैंने इसको ज़्यादा 15-20 मिनट के लिए पानी में भिगो लिया था। ये देखें, ये मैंने लिए थोड़े थे, लेकिन ये जब आप इसको पानी में भिगोते हैं ना तो ये फूल के बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए आपने इसको थोड़ा सा लेके फिर आपने इसको पानी में भिगो के फिर शामिल करना है। फिर आपने वॉलनट्स लेने हैं, वो भी आपने इस तरीके से उसकी कटिंग करनी है, फिर वो भी आपने इसमें शामिल करने हैं। जब आपने वॉलनट्स की कटिंग कर लेनी है तो आपने एक बाउल लेना है, उस बाउल में ये सारे शामिल करने हैं। ये शामिल करने के बाद आपने डेट्स लेनी है, डेट्स को भी आपने इस तरीके से इनके पीसेस कर लेने हैं। ये आपने जब अपनी डेट्स को काटना ना तो आपने इसमें की जो गुठलियाँ हैं ना वो आपने निकाल लेनी है और आपने इसको बारीक बारीक पीसेस में काट के जो वॉलनट्स आपने क्रश किए हैं वो आपने इस बाउल में निकाले हैं, उसमें आपने डेट्स भी शामिल कर लेनी है और साथ में आपने ये बीन्स शामिल करनी है इस सैलड में। साथ हमने कीवी लिया है, हमने दो कीवी लिया है। आप कोई भी फ्रूट शामिल कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो या जो भी आपको लगे कि आपके लिए इजीली अवेलेबल है आप शामिल कर सकते हैं। कीवी भी आपने काट के इसी सैलड में शामिल करनी है। पहले आपने वॉलनट्स क्रश करके इसमें शामिल किए हैं कटिंग करके, फिर हमने इसमें डेट कटिंग करके शामिल किए हैं, फिर हमने इसमें अपने ब्लैक बीन्स शामिल किए हैं, अब हम इसमें कीवी शामिल करेंगे। आपने इस तरीके से कीवी को काट के छोटे छोटे इसके पीसेस करके फिर इसे सैलड में शामिल करना। ये हमने दो कीवी लेके काट के इसको सैलड में शामिल कर लिया। अब हमने कैबेज की कटिंग करनी है, ये हमारे पास कैबेज है, इसकी भी आपने बारीक बारीक कटिंग कर लेनी है, इसको भी आपने फिर सैलड में शामिल करना है। ये सब चीज़ें सैलड में इस तरीके से ही शामिल होंगी, हमने बस चिकन को फ्राई करना है। वो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने किस तरह फ्राई करना है और कितना फ्राई करना है, वो बस फ्राई करके हमने इसमें शामिल करना है। जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो तो चिकन डाल लेंगे, लेकिन जो वेजिटेरियन है वो फिर चिकन स्किप करके बाकी सारी रेसिपी एज इट इज़ फॉलो करके बना सकते हैं। ये काट के अब हम इसमें शामिल करेंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं चिकन को किस तरीके से फ्राई करूँ। इसके साथ जो हमने सॉस बनानी है उसके लिए हमें सोया सॉस की ज़रूरत है, ब्राउन शुगर लिया है हमने, और साथ हमने ये लाल मिर्च इसको पानी में भिगो लिया था और इसके अंदर से सारे बीज हमने निकाल लिए। इसकी हमने सॉस तैयार करनी है, वो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह करनी है। पहले आप इसको काट के एक बाउल में निकाल लीजिएगा, साथ ब्राउन शुगर और सोया सॉस इसमें आप ऐड कर लें। ये देखिए, तकरीबन आपने 4-5 टेबल स्पून सोया सॉस लिया है और 1 टेबलस्पून आपने ब्राउन शुगर लिया है। फिर आपने इसमें तकरीबन 1 टीस्पून
हाफ टी स्पून आपने इसमें ब्लैक पेपर शामिल करना है और इतना ही आपने इसमें सॉल्ट शामिल करना है और इसकी बड़ी अच्छी सी मज़ेदार सी आपने सॉस तैयार कर लेनी है। ये जो हमारे ब्लैक फंगस मशरूम है जो हमने भिगोए थे, अब हमने इसको काट लेना है और काट के हमने इसको फ्राई करना है हल्का सा। चिकन फ्राई करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने इसे किस तरीके से फ्राई करना है, लेकिन पहले आपने इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं और पीसेस करके आपने इसे किसी प्लेट में निकाल लेना है। इसके पीसेस करने के बाद आपने चिकन को भी पीसेस कर लेने हैं। आपने सीने का ब्रेस्ट पीस लेना है और उसको आपने इस तरीके से आपने उसकी कटिंग कर लेनी है। क्यूब्स की शक्ल में आपने इसको काट के तो फिर आपने इसको शैलो फ्राई करना है और फिर आपने इसको सैलेड में शामिल करना है। आपने एक फ्राइंग पैन लेना है और उसमें आपने तकरीबन 1 या 2 टेबलस्पून ऑयल के शामिल करने हैं। ज़्यादा ऑयल शामिल नहीं करना क्योंकि ज़्यादा ऑयल जो है वो फिर आपने इसको शैलो फ्राई करना है ना, डीप फ्राई तो नहीं करना। तो आपने थोड़ा सा ऑयल लेकर उससे हल्का सा गर्म कर लेना और फिर आपने इसमें पहले चिकन फ्राई करना है और फिर आपने इसमें ब्लैक फंगस मशरूम हल्के से फ्राई करने हैं और फिर उसको सैलेड में शामिल करना है। अब हमने जो चिकन को क्यूब्स में काटा था उसको अब हम इस ऑयल में शामिल करेंगे। इसको शामिल करके आपने इसमें हल्का सा नमक और ब्लैक पेपर आपने इसमें शामिल करनी है ताकि ये अच्छे तरीके से शैलो फ्राई हो जाए। अभी शैलो फ्राई होता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारा चिकन अच्छे से फ्राई हो गया। आपने इसको इस तरीके से हल्का सा लाइट ब्राउन करना ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। अब आपने इसको किसी चीज़ में निकाल के फिर इसमें मशरूम फ्राई करने हैं। मैं इसको एक बाउल में निकाल के फिर इसमें मशरूम फ्राई करती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि मशरूम आपने कितनी देर फ्राई करने हैं। अब आपने तकरीबन 1 या 2 मिनट इस ब्लैक फंगस को इस ऑयल में फ्राई करना है और फिर आपने ये दोनों चीज़ें सैलेड में शामिल कर लेंगे। इसको आपने ज़्यादा नहीं करना, बस 1 से 2 मिनट ही आपने इसको फ्राई करके फिर आपने इन दोनों को सैलेड में शामिल करना है। ये हमारी सैलेड है जो रेडी हो गई है। अब हमने जो चिकन फ्राई किया हमने वो इसमें शामिल करना है। और हमने इसमें 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल के शामिल करने हैं। ऑलिव ऑयल भी आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और साथ ही हमने जो इसके ब्लैक फंगस मशरूम हल्के से फ्राई किए थे वो भी आपने इस मौके पे इस सैलेड में शामिल करने हैं और इन सबको फिर आपने अच्छे से मिक्स करना है। स्पून, फोक या स्पून जो भी आपके पास अवेलेबल है उसकी हेल्प से पहले आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। इसमें सब कुछ शामिल करने के बाद, इसे अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद, ये जो हमने सॉस बनाई थी वो भी हमने इसमें इस मौके पे शामिल करके फिर इसको अच्छे तरीके से आपने फोक की हेल्प से मिक्स करना है। ये देखिए आपकी सैलेड इस मौके पे बिल्कुल तैयार हो गई है। आपको जो जो चीज़ें पसंद है आप इस सैलेड में शामिल कर सकते हैं। मेन तो इसमें ब्लैक फंगस मशरूम और ब्लैक बीन्स है, बाकी तो जो आपको जिस तरह पसंद हो आप इसमें शामिल करके इसको बनाएं। अपने घर में ट्राई ज़रूर करें कि ये किस तरह की बनती है और हमें भी इसका फीडबैक दें कि ये आपको कैसी लगी खाने में।
बस मेरी तरफ़ से आप सबको अल्लाह हाफिज़। ये आपने इस तरीके से सैलड तैयार करके हमें बताना कि ये आपको कैसी लगी।